सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द अनदर न्यू ब्लॉग। सो गाइज, अभी मैं आया हूँ गांधी घाट, जैसे आप वहाँ पे देख सकते हैं। और गांधी घाट के ठीक बगल में ज्वार कुंज है, जिसको दूसरा भाषा से बोला जाता है फूल बगान। और उसके ठीक सीधा अगर आप देखेंगे तो टूरिज्म प्रॉपर्टी है मलंचा, वो लॉज है। ठीक है, बता दें ये है ज्वार कुंज, ये पूरा पार्क है, कपल एरिया भी है। और ये जो आप देख रहे हैं मलंचा का, ये अंदर अगर आप जाते हैं तो आपको रेस्टोरेंट वगैरह देखने को मिलेगा, स्टे करने को मिलेगा, रूम है रहने का। ठीक है, तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको पूरा का पूरा एक्सप्लोर करते हैं। वहाँ से अगर आप सीधा चलते हुए आते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से आपको सीधा लेफ्ट जाना है और उसके बाद यहाँ पे आप लॉज है, आप देख सकते हैं। चलिए अंदर चलते हैं। गाइस, गांधी घाट का लॉज। हम लोग मलंचा टूरिस्ट प्लेस में है और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं स्ट्रीमर टाइप का, ये एक तरीका का होटल होने वाला है, इसमें आप स्टे भी कर सकते हैं, होटल ही एक तरीका का। तो अभी ब्रिज देख सकते हैं। ठीक है, इस यहाँ से सीधा आपको आना है, ये एकदम गंगा, और कितना ज़्यादा मस्त लग रहा है देखने में, देख सकते हैं ये है, इसमें होटल होने वाला है। चलिए चलते हैं उधर। यहाँ पे देख सकते हैं होटल होने वाला है, मेरे को जहाँ तक पता चला है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए एकदम क्या मस्त सीन है। पहले बता दे, अंदर अभी तो खुला नहीं है, अभी पूरा तैयारी चल रहा है, अभी तक बना नहीं है। जब बन जाएगा तो एक बार और ब्लॉग आके बना देंगे कि कितना प्राइस है। चलिए चलते हैं। जब बाहर से आते हैं तो यहाँ पे आप गाड़ी वगैरह भी पार्क कर सकते हैं, यहाँ पे कार लेके आइए, कुछ भी पार्किंग का भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा। ये गाइज, यहाँ पे गाइज देख सकते हैं यहाँ रेस्टोरेंट है। ठीक है, इसके अंदर कुछ टाइमिंग है, आप टाइमिंग से ही जा सकते हैं, आ सकते हैं। फिलहाल चलिए अंदर चलते हैं। सबसे पहले बता दें आपको, यहाँ पे मैंने कैंटीन वगैरह जितना हो सके सब दिखाया। अब चलिए देखते हैं रूम का बारे में। ठीक है, रूम कहाँ पे, चलिए कंटिन्यू रहते हैं। तो गाइस यहाँ देख सकते हैं ये वाला कैंटीन है, ये रूम लिफ्ट लिखा हुआ है, इसके अंदर रूम है। क्या सीन है गाइस, यहाँ एक बार जरूर रहिएगा, बहुत अच्छा जगह है, मन खुश हो गया। रूम लिफ्ट है, ये है रूम लिफ्ट। चलिए रूम का दिखाते हैं। लिफ्ट का भी सुविधा है गाइस, सीढ़ी ऊपर में भी रूम है। चलिए ऊपर चलते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया मलंचा टूरिस्ट प्लेस और जो लॉज है, इसमें टोटल दो फ्लोर है और दो फ्लोर में आपको एक चीज स्पेशल मिलता है। तो ये है रूम रहने का और सामने गंगा, जब आप अपना विंडो ऑन करके देखेंगे ना, गजब का फील होगा, पूरा एसी वाला है, मजा आ जाएगा। दो फ्लोर है, बगल में कैंटीन वगैरह है। अभी वो वाला जो नाव जैसा देख रहे स्ट्रीम, ये नया अभी ओपन होने वाला है, तो इसका अलग ही फील होगा। ये रहा कैंटीन, वहाँ रिसेप्शन,
तो जितना हो सका मैंने आपको दिखाया। तो गाइज यहाँ से जाते जाते ये देख सकते हैं जवाहर कुंज, ठीक है। इसके सीधा ही आपको मलंचा टूरिस्ट प्लेस देखने को मिलेगा। तो गाइज यही रहा मलंचा लॉज का ब्लॉग, आपको मैंने दिखाया यहाँ पे बहुत टूरिज्म लोग आते हैं, यहाँ पे स्टे करते हैं। और ठीक रिवर के बगल में आपको होटल देखने को मिलेगा, उसमें रेस्टोरेंट भी है, सारा चीज़ का फैसिलिटी देखने को मिलेगा। और सबसे पहले बता दें वहाँ का रूम का जो भी जितना ही प्राइस है, अगर आपको बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर फ़ोटो लगा दूँगा, आप यहां से सीधा नंबर से बात भी कर सकते हैं। और इनका वेबसाइट भी है, इनका वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा और यहां पे मैं पिन कर दूंगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। इस वेबसाइट में जाने के बाद इनका रूम का कितना प्राइस है, कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है, ये कोई फिक्स नहीं रहता है, प्राइस ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। तो आप ये वेबसाइट में जाके पूरा का पूरा हर एक चीज़ का इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं अगर आपको मलंचा टूरिज्म लॉज में आना है। तो गाइज़ यही रहा छोटा सा ये मलंचा वाला ब्लॉग, जितना हो सका मैंने आपको दिखा पाया, परमिशन तो नहीं मिल रहा था बट रिक्वेस्ट करके हुआ, बहुत आप सबके लिए, आपका प्यार के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आगे भी इसी तरीके का आपको ब्लॉग देखने को मिलता रहेगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं वीडियो के साथ, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।